मेरी एनजीओ का जो नाम है श्री चुन्नीलाल सूर्यवंशी फाउंडेशन। कोशिश की कि मैं लोगों को मदद करूं जो रोड में लोग रह रहे हैं, जिनको मतलब खाने का नहीं है, कपड़े इलेक्शन हुआ पहनने 19 का तारीख का नहीं। नागपुर में, हुआ 26 को, 26 अप्रैल को अमरावती में है। क्या कहना मैं चाहते? ऐसा नेता चाहूंगी जो देश की जनता के लिए काम करे, देश के आह्वान के लिए काम करे और हमारे देश के लिए मर मिटने की बात करे। हमारे देश का राजा ऐसा होना चाहिए, हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने देश की जनता के बारे में सोचे। नमस्कार, टीएनए 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाशक और इस वक्त हम नागपुर के एयरपोर्ट पे, और लगभग 2:15 बज रहे होंगे इस वक्त रात के। कुछ तो कारण होगा कि हम यहाँ एयरपोर्ट पे आए, यानी कि बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट पे इस वक्त मौजूद है। और मेरे साथ है चाहत सूर्यवंशी, जो मुंबई से इस वक्त यहाँ नागपुर तशरीफ लाई है। आइए हम बात करते हैं, कुछ राजनीतिक बातें करते हैं, तो कहीं संस्थाओं की यानी कि एनजीओ की भी बात करते हैं, लोगों की कैसे मदद करते हैं। हम बात करना चाहेंगे चाहत से और जानने की कोशिश करेंगे उनकी जो एनजीओज है उसकी भी हम बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है नागपुर में, संतरा नगरी में। सबसे पहले आपको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तो ईद की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ईद की भी शुभकामनाएं दी। लेकिन शुभकामनाएं ये भी है हमारी आपके साथ कि आप मुंबई से यहाँ जी नागपुर आई है हमारे संतरा नगरी में, उसका आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम को चलाती है, सबसे पहले तो आप एनजीओ का नाम बता दीजिए। जो मेरी एनजीओ का जो नाम है श्री चुन्नीलाल सूर्यवंशी हाँ, फाउंडेशन। क्या उसमें क्या प्रोग्राम चलाती हैं आप, कैसे प्रोग्राम? हम एवरी मंथ 500 को पर पर्सन 20 kg अनाज हम प्रोवाइड करते हैं। हम हॉस्पिटल जितने भी, जैसे कैंसर है, किडनी पेशेंट है, हार्ट अटैक है, काफ़ी सारी जो बीमारी इत्यादि बीमारियां हैं, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एनजीओ की तरफ से 5-star प्रॉपर्टी मतलब लाइक हॉस्पिटल्स में फॉरवर्ड करते हैं। मुझे अपने हॉस्पिटल की जो बात की है तो मुझे याद आ गया, सडनली याद आ गया कोरोना काल। जो कोरोना काल में जो दौर गुजरा है, बहुत ही खराब दौर था, काली रातें थी, उस वक्त आपने किस तरह से लोगों की मदद की? उस टाइम शायद मैं मुंबई में थी तो अकेली थी, मेरे पेरेंट्स तो होम टाउन में थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को मदद करूं जो रोड में लोग रह रहे हैं, जिनको मतलब खाने का नहीं है, कपड़े पहनने का नहीं है, ना उन्हें वैक्सीनेशंस है, ना कुछ भी चीज़ें नहीं है, लेकिन उनको अभी तक मुझे ऐसा लगा कोविड हुआ ही नहीं है। हमने बहुत तरह तरह के लोगों की हेल्प की है। जैसे कोविड में ज़्यादा लंग्स में अटैक कर रहा था और कोविड काफ़ी फीवर है, वो सारी चीज़ें, तो इमीडिएटली जब डिटेक्ट हुआ था तो पेशेंट्स रिकवर होना इट नॉट पॉसिबल, तो हमने कोशिश की कि अपने तरफ से, हमारी एनजीओ के तरफ से फुल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की है। जिस तरह से भारत की जनता ने कोरोना काल में मदद का हाथ बढ़ाया था, काश वो वही हाथ कोरोना काल खत्म होने के बाद भी अगर बढ़ाते हैं तो लोगों की काफी मदद मिलती थी। क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी में इंसान मर के कुछ नहीं ले जाता है, अच्छे कर्म ले जाता है, तो अच्छा कर्म करिए ताकि हम ऊपर वाले को अपना मुंह दिखा सके। जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, एंड ऑफ द मोमेंट हमें कर्मा ही ले जाना है, तो कर्म अच्छे रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, इसी इंटरव्यू को आगे लेके चलते हैं और हम बात करते हैं लोकसभा 2024 जो इलेक्शन है उसकी भी हम बात करते हैं, क्योंकि साथों साथ राजनीति की भी बातें हमें करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि माहौल है इलेक्शन का। और लोकसभा 2024 का जो खासदार का इलेक्शन है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से वो माहौल बना रहा है अपने आप में। तो चलिए हम राजनीतिक थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। क्या जजमेंट है आपका कि लोकसभा 2024 में जिस तरह से अभी इलेक्शन हुआ 19 तारीख का नागपुर में, हुआ 26 को, 26 अप्रैल को अमरावती में, क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी जो भी पार्टी आए, मैं तो एक जहाँ तक हमारे इंडिया में ऐसा नेता चाहूँगी जो देश की जनता के लिए काम करे, देश के आह्वान के लिए काम करे और हमारे देश के लिए मर मिटने की बात करे। हमारे देश का राजा ऐसा होना चाहिए, हमारे देश का नेता ऐसा होना चाहिए जो अपने देश की जनता के बारे में सोचे, जितने भी दलित लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं, उनके बारे में सोचे, क्योंकि आज की परिस्थिति गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमारे जितने भी मिनिस्टर, मैं तो उनको हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी पार्टी चुन के आती है वो अपने देश की तरफ, अपने देश की जनता की तरफ ध्यान दें। क्या कहेंगे, जिस तरह से बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ते जा रही है, दिन पर दिन रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पहले से थे उनकी भी रोजगार कम हो गए हैं। और खास एक बात, जो अपने जीवन के 60 से 65 साल गवर्नमेंट नौकरी में देता है, लेकिन उसकी भी पेंशन जो बंद कर दी गई है, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं?
अभी तो काफी इश्यूज हो गए हैं, जैसा कि देखा है कि जीएसटी इंक्लूड होना, सारी चीजें होना, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सारी चीजें, इसमें आम आदमी मरता है, क्योंकि आम आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या, वो सारी चीजें हैं। तो थोड़ी महंगाई कम होनी चाहिए, और जितने भी जीएसटीज हैं तो लिमिटेड जीएसटी लगनी चाहिए। जैसे इनकम टैक्स में ही जीएसटी लगना चाहिए, खाने में, दूध में, या किसी भी चीज़ में, ग्रोसरी में तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जनता के लिए, हमारे लिए इट्स ए टू कॉम्प्लिकेटेड। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे TNN 24 न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम है बाबा साहेब अम्बेडकर एयरपोर्ट, यानी कि जिसे सरल भाषा में नागपुर का एयरपोर्ट कहा जाता है, उसी वक्त हम मौजूद हैं। और हमारी जो चर्चा चल रही थी, वाकई में वो चर्चा थी समझ की, सोच की, न्यू जनरेशन के दिल की बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, एयरपोर्ट नागपुर।